तो जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप लोगों का वेलकम है अमेजिंग प्रिया ब्लॉग के चैनल में। जैसे कि मेरा 9 दिन का फास्टिंग होता है, तो थोड़ी थोड़ी मैं क्लिप अगर मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर पाऊँगी तो शेयर कर दूँगी। और जैसे कि एक ब्लॉगर का फ़र्ज होता है कि जो भी कुछ आप दिनचर्या, जो भी फास्टिंग, जो भी जहाँ घूमने टहलने जाओ वो दिखाना होता है, जो पूजा। सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा अपने डेली रूटीन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो माता रानी आप लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियां लेके आए, ढेर सारी खुशियां लेके आए, और आप लोगों का जीवन खुशियों से भरा रहे। और यही है हमारी कामना दुर्गा माता से। तो अभी जस्ट मैं पूजा करके उठी हूँ, तो यहाँ पे आरती की दीपक जल रहा है आरती का, और आरती करके अभी जस्ट उठी हूँ। और आरती की बुक मैंने यहाँ रखी हुई है, तो ये है आरती की बुक, उसको अभी रखती हूँ ऊपर। ये बुक मैं रख देती हूँ आरती की और चालीसा की। यहाँ पे चालीसा भी, मतलब ये दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा माता का पूरा पाठ है इसमें, आरती चालीसा सब कुछ है। और पूजा करते करते मेरे पाँव में झुनझुनी हो गई है और पाँव सुन्न हो गया मेरे, चल भी नहीं पा रही हूँ। तो ये देखो हमारा मंदिर। तो बैक कैमरे से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सुन्न हो गया है 9 दिन में कैसे। बैठने की वजह से इनका पूरा पांव सुन्न हो गया, क्योंकि अक्सर आलती ऐसा हो पालती जाता मार है, के बैठना होता है ना। मतलब जब बैठ नीचे बैठ के पूजा करते हैं ना, तो इसलिए पांव सुन्न हो जाता है जब खड़े होते हैं, तो जल्द सीधे खड़े नहीं हो पाते। और तो पूजा मैंने कर लिया, और अभी बज रहे हैं शाम के 6:35। तो इनको टीका लगा दिया, तो मेरा टीका तो लगा ही है, और थोड़ा सा लगा देती हूँ। गाइज, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक सुन, हाँ शुभकामनाएं। वो मैंने माता बोल रानी दिया, आप सभी की जीवन में खुशियां ढेर भरे सारी खुशियां लेके आए, और और आप आपकी लोगों सारी को मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। दोबारा से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो तो ये साड़ी मैंने आज पहले दिन नवरात्रि के पहले दिन ये साड़ी मैंने पहनी हूँ। फुल लुक दिखाओ मेरा, ठीक से पहन नहीं पाई। तो दिन में मैंने जो बनाया था मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने आलू की भुजिया बनाया था, फलहारी वाली भुजिया जो बनता है, तो मैंने वो बनाया था। और चाय बनाई थी और मूंगफली बनाई थी, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। और इस टाइम मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप देख लीजिए हमारा आलू भी थोड़ा सा पड़ा है ना, थोड़ा सा। तो दिन में मैंने ये बनाया था, और सुबह ब्लॉगिंग नहीं हो पाती क्योंकि हम कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाती, क्योंकि इतनी जल्दी मतलब होता है सब कुछ, तुरंत उठो, झाड़ू पोछा लगाओ और तैयार हो, फिर पूजा करो। पूजा करने में फिर ही डेढ़ हमारा घंटे मेरा लग ऑफिस जाते है, हैं। आयुष का कॉलेज है, तो इस चक्कर में हाँ, आज तो थोड़ा संडे था, ठीक था, बाकी और नवरात्रि का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, और बहुत ज़्यादा सुबह बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो इसीलिए मैं सुबह की ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो शाम के टाइम मैंने सोचा मैं आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि भी बोलूं, और थोड़ा सा अपना मंदिर भी दिखाऊं, और थोड़ा सा आप लोगों से फेस टू फेस रूबरू बात करूं। तो ये रहा हमारा मंदिर, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, कितना प्यारा मंदिर है। छोटा सा मंदिर है बट बहुत ही प्यारा मंदिर है, और छोटा पड़ता है। मतलब सारी चीज़ें जब हम नवरात्रि में इसमें रखते हैं ना, तो प्रसाद वगैरह चढ़ाने में, दिया, धूप बत्ती, अगरबत्ती सब लगाने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बट क्या करें, छोटा है जगह के हिसाब से। तो थोड़ा सा और बड़ा मैं ले आऊँगी अगले साल तक, अभी तो यही है। तो प्रसाद मैंने कैसे रखा है, दिए के बगल में प्रसाद रखा है, माता रानी के जस्ट बगल में केला रखा हुआ है प्रसाद में, और ये प्रसाद में रखा हुआ है। और ये जो दिया आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैं हरिद्वार से लेके आई थी, कितना सुंदर। ये दिया जो है लोटस डिजाइन में, स्टोन लगे हुए हैं लोटस डिजाइन में बनाया गया है, और इसमें दिया बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत लगता है, लग रहा है ना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत दिया है। तो ये हरिद्वार से मैं लेके आई थी, और एक ये आरती करने वाला लेके आई थी, तो इसमें आरती किया, और ये तो ये भी काफ़ी अच्छा है। दो चीज़ें लेके आई थी हरिद्वार से। तो हरिद्वार की वीडियो आप लोगों ने अभी नहीं देखा, आप लोगों के पास हरिद्वार वाली वीडियो शेयर होगी, अभी नहीं, अभी नवरात्रि की ब्लॉगिंग ब्लॉग शेयर करेंगे, उसके बाद हरिद्वार वाली वीडियो। गाइस ये रहा आज का हमारा पूजा, और दिन की हमारी फलहारी नवरात्र के पहले दिन की।
और तो कैसा लगा मेरा मंदिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, और थोड़ा बहुत मैं माता रानी की दो चार रील बना लूं, और क्योंकि मैंने ये साड़ी पहनी हुई है तो मैं सोच रही हूँ दो चार रील भी बना लूं माता रानी का। तो यहाँ पे ये वीडियो एडिट कर अपलोड हो गई ना वीडियो मथुरा की, तो मथुरा का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री वीडियो आज अपलोड हुई है, तो आप लोग जाके देखिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग क्या कर रहे हो, जाके वीडियो मेरी देखिए मथुरा की। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज, मैंने रील बना लिया, मैंने दो चार रील बनाई, चार पांच रील बनाए मैंने, और शॉर्ट्स वीडियो बनाई यूट्यूब के लिए, दोनों चैनल के लिए। और अब मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ, तो चलिए फिर बज गए हैं 8, तो शाम के 8 बज रहे हैं, तो चलिए फिर साबुदाना बना लेते हैं। और क्या बनेगा? साबुदाना बनेगा और क्या बनेगा? आलू रहने दो, देख लो अगर होगा तो। थोड़ा सा आलू है तो क्या करूँ फिर, देखते हैं क्या कुछ बनाते हैं, देखते हैं, समझ में नहीं आता। और यहाँ बैठी है चिया, तो तू भी बोल दे हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी नवरात्रि। तो क्या बोल रही हूँ, कंफ्यूज हो जाती है इन तीनों चारों के नाम में, जिया रिया टिया चिया में। तो चार इस नाम के मतलब सेम मिलता जुलता नाम की चार लड़कियाँ हैं हमारे घर में, जिसका नाम चिया है। तो मैं कभी रिया बोल देती हूँ, कभी चिया बोल देती हूँ, कभी टिया बोल देती हूँ, अभी मैंने इसको टिया बोला। तो चलिए फिर मैं बनाने चल रही हूँ साबुदाना, और चलते हैं। तो चलते हैं, यहाँ हमारे किचन में लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है, और पहले भी मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे किचन में लाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए मेरी ब्लॉगिंग और भी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो चलिए फिर बना लेते हैं साबुदाना, और 8 बज रहे हैं शाम के, तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बनाते हैं साबुदाना। ये देखो मेरी मेहंदी, इसकी मेहंदी देखो कितनी अच्छी लगाई है नवरात्रि के उपलक्ष में, बहुत अच्छी मेहंदी लग रही है। वाह। तो चलिए फिर साबुदाना बनाते हैं। साबुदाना को मैं इस बाउल में डाल लेती हूँ, सॉरी इस भगोने में। तो इस भगोने में साबुदाना को मैंने डाल दिया, अब इसको अच्छे से धोते हैं, पहले देखते हैं इसमें कुछ है तो नहीं, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करते हैं। सो गाइज, मैंने साबुदाने को अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया है और अच्छे से क्लीन हो गया है, तो अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करके इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है अब गैस। सो गाइस, मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया है, और साबुदाना मेरा बन रहा है। मैंने दूध और इसको कम कर दे, मैंने दूध और चीनी डाल दिया है साबुदाने में, और आलू उबलने रख दिया है। और मैं आलू तलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं तला हुआ आलू खाऊं, तो मैं सोच रही हूँ आलू उबाल लेती हूँ और चटनी बनाते हैं, थोड़ी चटपटी सी तीखी सी चटनी बनाते हैं, और आलू और चटनी खाते हैं। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो आलू बॉयल होने मैंने रख दिया है, और धनिया मैंने साफ कर लिया है, तो चल रही हूँ चटनी बनाती हूँ। और साबुदाना हमारा किस सिचुएशन में है तो आप लोगों को दिखाती हूँ, तो चलिए फटाफट चलते हैं। और ये है तेजा और खुशी, अपना नाम बता। हाय गाइस, मेरा नाम है खुशी। तो इसका नाम है खुशी, और अपना नाम बता। अपना नाम बता। तो इसका नाम है कुक्कू उर्फ तेजा, इसका नाम तेजा भी है और कुक्कू भी है, और ये प्यारी सी बच्ची है, बहुत प्यारी सी बच्ची है ये। तो गाइस, यहाँ पे आलू में सीटी आ गई है, और यहाँ पे साबुदाना हमारा बन रहा है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया। जैसे कि आपको पता होगा साबुदाना थोड़ा सा कम था, और मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, और साबुदाना कम हो गया, थोड़ा पतला है, बट कोई नहीं, तो खा लेंगे। आलू बॉयल हो चुका है, यहाँ पे पीस रहे हैं चटनी, चटनी इसमें रख दिया है। तो गाइज, यहाँ पे आलू में सीटी आ गई है, और यहाँ पे साबुदाना हमारा बन रहा है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया। जैसे कि आपको पता होगा साबुदाना थोड़ा सा कम था, और मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया,
और साबुदाना कम हो गया, थोड़ा पतला है बट कोई नहीं, तो खा लेंगे। दिन वाला आलू पड़ा हुआ है जो फ्राइड आलू है, तो दिन का ये फ्राइड आलू थोड़ा पड़ा है, ये मैं तो नहीं खाऊंगी, आयुष के पापा को दे दूंगी, वो खा लेंगे, मैं नहीं खाऊंगी, मैं ये आलू और चटनी। सो गाइस, ये हमारे फलहारी की प्लेटिंग हो गई है, तो ये रहा इनका, आयुष के पापा का साबुदाना आलू, और ये फ्राइड आलू चटनी, और ये बॉयल्ड आलू। तो यही सब है हमारे आज खाने में। हम बहुत कम खाते हैं, मतलब फलहारी व्रत में बहुत ही कम खाते हैं, क्योंकि अगर पेट भर के खा लिया तो किस बात की फास्टिंग। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही कम खाते, बहुत सारी स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं खाते कि आलू फ्राई कर लो, सिंघाड़े का हलवा बना लो, या फिर अच्छी टेस्टी चीज़ें बना लो, ये ऐसे हम लोग नहीं खाते, या कुट्टू के आटे का पूड़ी बना लो और आलू की सब्ज़ी बना के खाओ, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं खाती। अगर ये सब चीज़ें खानी है तो काहे बात का फिर फास्टिंग है, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती, मैं सिर्फ आलू ही खाती हूँ। और ज़्यादा मेरा मन जब उब जाता है तो मैं पालक और आलू मिला के सब्ज़ी के जैसा भुजिया टाइप बना लेती हूँ, वो खाती हूँ। बाकी मैं साबुदाना भी नहीं खाती, बट इस बार मैंने साबुदाना बनाया है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था। तो ये है मेरा फलहारी, आलू चटनी और ये साबुदाना, और ये है आयुष के पापा का। तो चलिए फिर इनको दे देती हूँ और उसके बाद मैं भी खाती हूँ, तो इनका लेके चल रही हूँ, दे देती हूँ। पकड़ो 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 जल्दी से, गिर जाएगा, साड़ी पहनी हो ना तो इसलिए। तो ये इनकी फलहारी है, सिंपल सादा, सिंपल सोबर एंड सादा। तो पानी देना, फ्रिज में रखा हुआ, तो इनका पानी ला के दे देती हूँ, और मैं अपना वाला भी लेके आती हूँ। हम हारी नीचे ही बैठ के करते हैं, और इसीलिए हम नीचे ही बैठ गए, तो क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। और ये है मेरा, तो मैं अपना वाला भी ले चलती हूँ, पहले इनको पानी दे दूँ, उसके बाद मैं अपना वाला भी ले चलती हूँ। और इतनी चटनी बच रही है तो ये कल के लिए रख देंगे, कल खा लेंगे। ये इनका पानी है, लोटे में ठंडा पानी रखा हुआ है। लो, है मिर्ची हरी, तो ले चलते हैं, इनको दे देते हैं। बिना मिर्ची के इनका खाना कम्प्लीट नहीं होता, चाहे फलहारी हो चाहे कुछ हो। लो हरी मिर्ची, दो लिया, तो चलिए ठीक है, ये मैं भी एक दो खा लेती हूँ आलू के साथ। तो ये है मेरा फलहारी, सिंपल सोवर, साबुदाना पतला सा, और आलू और चटनी, और इनका ये है। तो अब इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, तो फेस टू फेस आती हूँ मैं और वीडियो का एंड करती हूँ। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरी ये नवरात्रि की वीडियो, फर्स्ट नवरात्रि की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो अब हम लोग जा रहे हैं फलहारी करने, और अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, एडिट करने में भी प्रॉब्लम होती है, और लंबी वीडियो जो हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो शेयर करूँगी, 9 दिन कोशिश करूँगी, अगर शेयर कर पाऊँगी तो ठीक है, नहीं शेयर कर पाऊँगी तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए फिर, अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये नवरात्रि की वीडियो पसंद आई होगी, फर्स्ट नवरात्रि की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मैं एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए अब करती हूँ वीडियो का एंड, मिलते हैं अच्छे से प्यार से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी। लो एंड करोगे, तुम भी बोल दो जय माता दी। और जय माता दी, तो जय माता दी।